हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको हेडिंग में दिख रहा होगा बिहार बीएड की फीस कहीं 2,000 तो कहीं 1.5 लाख। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसका माजरा आखिर है क्या। तो ये हमारा टॉप हेडिंग हुआ आज कि बिहार बीएड की फीस कहीं 2,000 है तो कहीं 1.5 लाख है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में यानी कि पटना में, खासकर पटना में, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है कि हम पटना कॉलेज में पढ़े, बहुत लोगों का होता है। आखिर नाम भी है, नेम फेम सब है और मनी भी है। आप पटना कॉलेज से कहीं से भी पढ़ कर कहीं भी जाओगे तो आपको अच्छे जगह जॉब मिलती है, आपकी सैलरी भी अच्छी होती है। अगर आप एक बीएड ही कर लेते हो सिंपली सा और नाम आपको देखता है कि पीयू यूनिवर्सिटी है, आपको कहीं भी ले लेता है वो। कहीं भी किसी भी अच्छे अच्छे स्कूल सब में जाओगे तो आपको 20,000 से फी ही स्टार्ट करता है। तो 20,000 आज के डेट में फी मतलब कम है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी है। किसी किसी को तो 8,000 में जॉब करने पर वो इंसान मजबूर होता है, उससे तो बेटर है ना कि आपको 20,000 मिले। तो यहाँ पे चलिए आइए पहले हम जानते हैं कि कॉलेज कौन कौन सा है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे। हाँ, आपको डिस्टेंस कॉलेज के बारे में जानना है तो फिलहाल वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ही है, अभी एक ही कॉलेज है। तो उसके बारे में, उसकी फी स्ट्रक्चर आपको 20K है, यानी कि 20,000 रुपया है बस। तो चलिए हम आइए देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएड कॉलेज जो है सो किसी के लेस देन यानी कि 1 लाख से नीचे है। तो कॉलेज का 197 यानी कि 197 बीएड कॉलेज है बिहार में टोटल। तो यहाँ पे देखिए रेटिंग कैसे कैसे मिला है। तो सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी बिहार, जिसको 4 रेटिंग मिला है, ये कॉलेज बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर पटना वुमेन्स कॉलेज, जिसकी रेटिंग है 3.7। फिर है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, मैं तो कहूँगी कि आपको बहुत ही मजबूरी है तो ही नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कीजिए, वरना मत कीजिए। तो इसकी रेटिंग है 3.6। फिर है ललित नारायण LNMU, जिसकी रेटिंग कितनी है तो 3.6 है। तो ये भी कॉलेज बहुत ही अच्छा है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कॉलेज बहुत अच्छा है। इन्होंने कॉलेज बहुत ही सुंदर बना रखा है, मैंने तो देखा नहीं है बट फोटो में देखी हूँ मैं, अरे वाकई ही रियलिटी जाकर मैं दरभंगा में ये कॉलेज नहीं देखी हूँ। हाँ, पटना का कॉलेज देखी हूँ, पटना में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बहुत ही सुंदर है। तो चलिए आइए हम और आगे एक्स्ट्रा बात जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिया है, राज्य के बीएड कॉलेज में फी स्ट्रक्चर में एक रूपता नहीं है। किसी बीएड कॉलेज में शुल्क 1,000 रुपये में है तो किसी जगह है लाखों रुपया चुकाना पड़ सकता है। ये आपके नंबर पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़े हो, ये आपका मेहनत रंग लाएगा। अगर आप अच्छा नंबर लाते हो तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आपकी फ़ी बहुत ही कम लगेगी। अगर आपको खराब मार्क्स आए हैं तो फिर आपको अपने पॉकेट से जेब ढीले करने होंगे, पैसा चुकाने होंगे। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों की है, इसमें से किसी में भी एक रूपता नहीं दिखती, यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि हर कॉलेज का फी अलग अलग है। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे हर सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज का भी फी अलग है, किसी की 14,000 तो किसी की 11,000 ऐसे है। ऐसी स्थिति में बीएड कोर्सों में दाखिला लेने वाले परीक्षार्थियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रत्येक साल दाखिले के समय समस्या उत्पन्न होती है, सरकार भी फीस में लेकर कोई एक रूपता नहीं दिखाती है। सरकार भी किसी बीएड कॉलेज में कहीं भी बिल्कुल शुल्क किसी बीएड कॉलेज में शुल्क 1,000 रुपये है तो किसी जगह लाखों चुकाना पड़ता है। सबसे बड़ी विडंबना है सरकार टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों की, इसमें भी एक रूपता नहीं दिखती है। जैसे कि पटना वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज है, एक वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज है, तो इनमें भी एक रूपता नहीं दिखती है। इसमें से भी ऐसी स्थिति में बीएड कोर्स में दाखिला लेने वाले को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रत्येक साल दाखिला के समय बहुत ही परेशानी उपस्थित। राज्य में 7 सरकारी बीएड कॉलेज है, यानी कि पटना के राज्य में ओनली 7 सरकारी बीएड कॉलेज ही है। इसमें 6 गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के हैं, जिसमें भागलपुर, गया, समस्तीपुर, छपरा सहित अन्य 2 साल की फीस क्या है, 24,000 रुपये, यानी कि 12,000 रुपया आपका एनुअल लगेगा। तो काफ़ी सस्ता है ये। वहीं पटना में चलने वाले गर्दनीबाग गवर्नमेंट जो महिला विश्वविद्यालय है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय की फीस 1.5 लाख रुपए है। ओ माय गॉड, इतना कॉस्टली फी है। तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण है MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर का, इसमें भी कॉलेज फी जो है सो बीएड करने के लिए 2 लाख फीस, इसमें भी 2 साल के लिए 1,05,000 रुपये है। ओ माय गॉड, इतना सारा पैसा, तो सोच लीजिए कितना पैसा लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई होप कि आपको अब सब डाउट क्लियर हो गया कि कितना फी आपका लगने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, और एक विश्वविद्यालय में 2 नियम है। पटना विश्वविद्यालय में बीएड कोर्स रेगुलर मोड में चलता है। यह विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में लड़कियों को फीस के तौर पर, अगर आपका पटना विमेंस कॉलेज में हो जाता है
तो बायकॉट बताती हूँ, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होने वाला है, बस खाली कॉलेज जाओगे आओगे, बस भाड़ा लगने वाला है, जो आपका फेयर होता है वो लगेगा। वही पटना ट्रेनिंग कॉलेज में लड़कों को, पटना ट्रेनिंग कॉलेज में लड़कों को सिर्फ 2,000 रुपये लगते हैं। इसी पटना विश्वविद्यालय के पटना विमेंस कॉलेज में बीएड कोर्स के सेल्फ फाइनेंस तौर पर चला जाते हैं। यहाँ पे लड़कियों को फीस के तौर पर पहले वर्ष में 88,000 रुपया लिया जाता है, यानी कि 2 साल में लगभग पौने 2 लाख रुपया लड़कियों को देना पड़ता है। तो आपको फी देख रहे हैं कि किसी कॉलेज में, यानी कि पटना वुमेंस विमेंस कॉलेज में हो जाती हैं गर्ल्स तो बहुत ही अच्छा, और बॉयज अगर पटना कॉलेज में आपका हो जाता है, पटना ट्रेनिंग कॉलेज में, तो बॉयज के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कि 2,000 रुपये में आपका बीएड हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने यही डिक्लेयर किया है, अगर बाई चांस आपको मिल गया पटना वुमेंस कॉलेज में तो 88,000 रुपये आपको लिया जाएगा, यानी कि पौने 2 लाख रुपए देना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज में भी। तो देख लीजिए फीस की बहुत ज़्यादा हाई है, फीस से रिलेटेड अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया है आप उस डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर कर रख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने में बहुत ही कम दिन है, यानी कि आज है 26 26, अब बस 4-4 डेज बचे हैं, 3 डेज बचे हैं, 3 डेज के बाद आपके रिजल्ट आपके हाथ में होंगे। तो चलिए, मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं, आपका दिन मंगलमय हो।